चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 ऑन मोशन इन अ प्लेन। डेट कितनी लिखी है? 23, 12, 13 23 दिसंबर 2023। ठीक है, सो ये तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐड करके रखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हर साल में कितने कितने सवाल आप लोगों के आए हैं। ठीक है, सो अगर चार सवाल, तीन सवाल अगर आपके आते हैं तो आप 12-16 नंबर यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर को हल, ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जो आपका बेस है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन और आपके कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट वो अच्छे होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक असेसमेंट ले रही हूं मैं, जो कि आपके होमवर्क पे ही बेस्ड है। सो पहला क्वेश्चन आपका जेई 2022 में आया था। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। जब वो रोड पे खड़ी है तब अम्ब्रेला को 45 डिग्री पे करना पड़ रहा है विद वर्टिकल, ताकि वो रेन से बच सके। इफ शी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड ऑफ 15 √2 किलोमीटर पर आवर, अगर बिना अम्ब्रेला के वो भागना शुरू कर देती है 15 √2 किलोमीटर पर आवर से, द रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली। अब उसको जो रेन फील हो रही है वो सीधा डायरेक्टली वर्टिकली उसके हेड पे लग रही है। स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल इज, यानी जब वो भाग रही है तो स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप कितना है ये आपको। सो एबीसीडी आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2 मिनट लगाइए, एक बार बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कॉमेंट कीजिए। सॉल्व करना है, ठीक है, मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक आंसर मेरे पास आया, ऑप्शन सी। दो दो स्टूडेंट्स, माइक ऑफ, माइक ऑफ। मनीष, मनीष पहली बार क्लास में आया बेटा? सी, ओके मैडम मेरा नाम है। हाँ हाँ मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आप पहली बार क्लास में आए हो? मैडम क्लास में तो पहली बार आए हैं। अच्छा, तो ध्यान से अभी देखो जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी तो क्या ये चीजें आपने कर रखी है, और नहीं कर रखी है तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको कंप्लीट करनी है। ओके मैडम, ठीक है, माइक ऑफ रखे बेटा क्लास में डिस्टर्बेंस। ओके मैडम, हाँ जी। तो हमारे पास हर्ष, शिवम, अनुष्का, नीलम, मोहित एंड गौरव एंड दिव्यांशु का आंसर आ गया सी, एंड ये करेक्ट आंसर है। फटाफट से मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, जब एक गर्ल्स स्टैंडिंग है ऑन रोड, ठीक है, और उसने अम्ब्रेला को विद वर्टिकल कैसे किया है, 45 डिग्री पे किया है, ये आपका 45 डिग्री होगा, टू कीप द रेन अवे, रेन से बचने के लिए। सो आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए यहां से आपके पास रेन आती है, तो रेन आपके पास ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ रेन के अगर हम कॉम्पोनेंट्स करें तो ये आएगा आपके पास वी आर कॉस 45, एक आपके पास इधर आएगा वी आर साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब वो भागना शुरू कर देती है बिना अम्ब्रेला के, और उसको महसूस होता है कि उसको जो रेन हिट कर रही है वो डायरेक्टली हिट कर रही है। सपोज ये भागना शुरू कर रही है इस डायरेक्शन में 15 √2 से, यानी जो आपके पास वी आर साइन 45 डिग्री है, दैट शुड बी इक्वल टू 15 √2, तभी जो रिजल्टेंट बचता है वो बचता है जो डायरेक्टली हिट करने वाला है, यानी वी आर कॉस 45। हमें चाहिए वी आर, वी आर हम यहां से निकाल सकते हैं, साइन 45 इज 1 √2, √2 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी कि 30। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, 30 इंटू में कॉस 45, कॉस 45 कितना है 1 √2, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? अभी देखो क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन था कि वो राइट हैंड साइड में भागेगी या लेफ्ट हैंड साइड में भागेगी, बट ये कॉमन सेंस है कि अगर वो इधर भागेगी और वेलोसिटी ऑफ रेन भी इसी डायरेक्शन में है तो कॉम्पोनेंट कैंसिल ही नहीं होगा। ठीक है, आपके पास जो कुछ इधर है, कुछ आपके पास डाउनवर्ड है, तो आपके पास रिजल्टेंट ऐसे आ रहा होगा,
हमें चाहिए कि ये कंपोनेंट कैंसिल हो, सिर्फ उसको डायरेक्टली हिट करनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस डायरेक्शन में भागेगी, तभी रेन का जो पीछे वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा और सिर्फ उसको एक कंपोनेंट हिट कर रहा है, वी आर कॉस 45। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। 2021 जेई सवाल है ये ना मैडम, मैंने समझा बेटा आपने अभी तक कोई क्लास नहीं ली है, सो हैव सम पेशेंस, पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखें, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है देन यू विल कांटेक्ट मी। मैम ये नंबर आपका है? हाँ, आपको मेरा नंबर जहाँ से मैसेज किया गया है, मैं आपको नंबर, अभी आप क्लास तक एंड तक रुको, मैं आपको ऑफिशियल नंबर शेयर कर दूँ। ओके मैम। हाँ जी, कीजिए बेटा सॉल्व। स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको रिवर क्रॉस करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, ठीक है? ये जो लाइन है ये रिवर फ्लो के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। अभी देखिए, स्विमर की जो स्पीड है वो रिवर के स्पीड के बराबर है, मान लो ये वी है और रिवर की जो इधर जा रही है ये भी वी है। द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी सो दैट स्विमर रीचेस द पॉइंट बी, कितना होगा? एक मिनट का सवाल भी नहीं है, बट आप एक मिनट लो, सॉल्व करो जरा। मैम 30 डिग्री। 30 डिग्री वाई? बिकॉज़ मैम बोथ वेलोसिटी वेक्टर जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। ओके यस, तो अगर दो वेक्टर्स आपके पास सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मान लो ये आपके पास सेम मैग्नीट्यूड है, तो जो इनका रिजल्टेंट जो है वो मिड में से पास करता है। अगर ये वी है, ये वी है और ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट पर पहुंचाना है, तो अगर हम इसको 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मतलब ए टू बी जो लाइन बन रही है वो मिड पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है? तो यानी हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट मिड में से पास करता है, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जेई 2021 क्वेश्चन है, अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर हैज वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अभी देखिए क्या बोल रहा है, रिवर फ्लो आपको दे रखा है, कितना है रिवर? 6 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अगर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर स्विमर को पहुंचना है, यानी जस्ट इधर पहुंचना है, तो कौन सा पाथ लेना पड़ेगा? 1, 2 और 3, बताइए। 1, डेफिनेटली 1, तभी जो रिवर का फ्लो है उसको ड्रिफ्ट करा के अपोजिट पॉइंट पर पहुंचा सकता है, यानी कि आपके पास ये आएगा, ये पाथ आएगा, तो आप ये एंगल थीटा ले लीजिए, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, इधर आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे वी एस कॉस थीटा और इधर आपके पास हो जाएगा वी एस साइन थीटा, और रिवर फ्लो आपके पास है 6 किलोमीटर पर आवर। अब अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो डेफिनेटली ये कंपोनेंट्स को बैलेंस होना पड़ेगा, ठीक है? सो यहां से आप सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। 120 डिग्री। वेरी गुड बेटा, सो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, 6 by VS, सो 6 VS कितना आपके पास? 12, ये आएगा आपके पास 1/2, और 1/2 कहाँ होता है? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे, बट उसने सवाल पूछा है विद रिवर फ्लो कितना एंगल है, तो ये ऑलरेडी 90 है प्लस ये 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है? सो वेरी गुड, जो भी सॉल्व कर पाया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन मैंने और आपको होमवर्क में दिया था। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ही वांट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, ये रिवर है जो कि चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर से,
ठीक है. He keeps himself always at an angle of 120 degree with the river flow. River flow के साथ वो 120 degree पे रखता है खुद को. मान लो ये है swimmer की with respect to river, ये angle वो रखता है 120 degree. Find the time he takes to cross the river and at what point on opposite bank will he arrive. तो दो question है. Time कितना लगेगा to cross the river? River का width आपको दे रखा है 500 meter, यानी कि 0.5 किलोमीटर. ठीक है, कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस दिस? स्विमर की आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर. सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा. ये स्विमर की दे रखी है आपको 3 किलोमीटर पर आवर. अगर ये 120 है तो ये तो 90 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा एंगल आपके पास? 30 डिग्री. अब बताओ. ए पार्ट, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर. कमेंट कीजिए. हरी हैंड्स डाउन कर लो बेटा. वन बाय थ्री रूट थ्री. ओके, वेरी गुड. वन बाय थ्री रूट थ्री. देखिए आप इसके कंपोनेंट ले लेंगे, एक तो आपके पास इधर आएगा कितना, थ्री कॉस थर्टी, और एक इधर आपके पास आएगा थ्री साइन थर्टी. अब कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है टू क्रॉस द रिवर? थ्री साइन थर्टी और थ्री कॉस थर्टी. आपके पास टाइम आ जाएगा 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय में 3 रूट 3. ठीक है, यहाँ से 5.0.5 को आप खोल लीजिए, 5/10 इंटू 3 इंटू रूट 3, ऊपर आया आपके पास 2, 2 1 2 5 5 से 5 कैंसिल, 1 बाय में 3 रूट 3 आवर, इतना टाइम लगेगा. फिर अगला सवाल क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव. कहां पर अराइव होगा? 1/6√3. दिव्यांशु का आंसर आया है, एक मिनट और लीजिए, बताइए दिव्यांशु ने सही किया है क्या. At what point on the opposite bank will he arrive? चलिए तीन पॉइंट बोल रही हूं मैं, ए बी सी. कौन से पॉइंट की तरफ जाएगा? क्या डायरेक्टली अपोजिट जाएगा वो इससे पता लगेगा. थ्री साइन थर्टी कितना है? 1/2. ठीक है, ये है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 2. तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 2 - 3/2. ये हो जाएगा आपके पास 4 - 3/2, यानी कि 1/2. यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो इधर बनेगी. रिवर फ्लो और मैन की जो है, स्विमर की जो है, उनको अगर हम कंबाइन करके लें तो आपके पास 0.5 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है. ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम. से जो हमने टाइम निकाला 1/3√3 r, इतने टाइम में वो क्रॉस करेगा रिवर को, उतने ही टाइम में ये जो रिजल्टेंट वाली वेलोसिटी है वो उसको किसी सी पॉइंट पर पहुंचा देगी. ठीक है, ये ऐसे पहुंच जाएगा ऐसे. तो ये ड्रिफ्ट आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा. ये ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? 0.5. सो ड्रिफ्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू में टाइम आप ये लेंगे 1/3√3. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा ऐसे ही छोड़ दीजिए. हाँ, अगर आप ओपन कर रहे हो तो 5/10 इंटू 3√3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3√3. सो यस, ये आपके पास हो जाएगा 1/6√3 किलोमीटर. सबको समझ में आया? यस मैम. यस मैम. वेरी गुड. चलिए अब हम चलते हैं आज के कुछ टॉपिक्स में.
काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन में मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, और इसकी सिर्फ काइनेमेटिक्स की डिस्कशन है। डायनामिक्स जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे जब हम लॉज ऑफ मोशन या सर्कुलर मोशन का और जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि काइनेमेटिक्स आपका यूनिट चल रही है, उसी में मैं सर्कुलर मोशन में अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसके काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में आपको फर्क पता है ना। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम इफेक्ट ऑफ मोशन देखते हैं। इफेक्ट मतलब स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब। और डायनेमिक्स में होता है कि जो मोशन है वो हो क्यों रहा है। तो वहां फोर्सेस आ जाते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन की बात कर रही हूँ, वो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए इन सर्कुलर मोशन। तो वो डायनेमिक्स का पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अभी हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी इसमें कवर हो जाएगा एंड उससे आगे ही कुछ कवर होगा। अभी आगे हम इसको शुरू करते हैं। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं? यस मैम। यस मैम। इसको क्या बोलते हैं? झूला तो सबने झूला होगा। यस मैम। इसको क्या बोलते हैं? जाइंट व्हील। ठीक है, मेले जो लगते हैं हमारे शहरों में उसमें ये झूला लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर एक जो ये बॉडी है, ये जो इन्होंने बैठने के लिए बना रखी है, ये सब एक सेंटर के अबाउट फिक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो ये एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, हर एक जो बॉडी है ये सर्कुलर मोशन में है। अब ये वाला एग्जाम्पल ये तो सब करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बांधा होता है ऐसे घुमाना, तो हमारी बचपन में आदत होती है। So, ये यहाँ पर जो ये बॉय कर रहा है, इसने क्या किया, थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट जो है बांध लिया। अब ये इसको सर्कमफ्रेंस के अलोंग घुमा रहा है। ये क्या है? सर्कुलर मोशन। रेस में किसी ने पार्टिसिपेट किया है सर्कुलर ट्रैक पे भागा? ठीक है, सो एथलीट्स हैं हमारे बीच में कुछ, ऐसे मुझे पता लगा था, कुछ स्पोर्ट्स में, कुछ स्टेट लेवल पे भी खेल रहे हैं। सो ये जो पर्सन है ये फिक्स पॉइंट हो गया, इससे इसका कुछ डिस्टेंस होगा रेडियस, और ये अलोंग सर्कमफ्रेंस मूव कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन है इसका। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर मोशन में आने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये सब हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन, एक विकिपीडिया डेफिनेशन है ये। सर्कुलर मोशन क्या है? इज अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास सेंटर होता है। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है पी एक्स पोजीशन पे और वो वाई पोजीशन पे जा रहा है। सेम पार्टिकल पी एट वाई पोजीशन, डिस्टेंस ओरिजिन यानी सेंटर से जो है वो आर ही है, यहां पर भी आपके पास आर ही है। इसने कुछ एंगल ट्रेस किया है यहां पर थीटा। थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा आपको ये एंगल दिख रहा है। एंगल को हम किस किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। यूनिट आपका है रेडियन, और दूसरी डिग्री। डिग्री, डिग्री, डिग्री। ठीक है, ये आपके पास सीजीएस बोल सकते हैं। सो 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है? 2π रेडियन। 2π, ये रिलेशनशिप पता है तो आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। पाई रेडियन में कितना होगा? 180 डिग्री। पाई बाय 2 में कितना होगा? 90 डिग्री। पाई बाय 6 में कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर लग रहा है कि स्केलर लग रहा है? क्या इसके पास डायरेक्शन है? यस मैम, वेक्टर। आप वेक्टर बोल रहे हो, चलो डायरेक्शन बताओ फिर किधर होगी। अगर एक पार्टिकल एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जा रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये जो वेक्टर है ये होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है। अब देखिए आपको कैसे निकालना है डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस तरीके का मोशन है सर्कुलर मोशन, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें जिधर थंब पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर सबको? अब जैसे एक्स से वाई जा रहा है तो अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए एक्स टू वाई,
और आपका जो जिधर थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल है सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? एक ऑब्जेक्ट सर्कल में या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, दो ही तो है। तो अगर वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, सो आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है और आउटवर्ड को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपने फिंगर्स को जरा वाई से एक्स घुमाए, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड्स। तो इनवर्ड को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो दो ही है आपके पास एक्सिस के अलॉन्ग, या तो क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। राइट हैंड थंब रूल से आपको निकालना है, वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब रिलेशनशिप होता है एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। जैसे ये अगर मेरे पास सेंटर है, ठीक है, और सपोज ये पॉइंट है पी पॉइंट, सेम पॉइंट ले रही हूँ, ये यहां से यहां जा रहा है, ये पोजीशन वाई ले लो, ये पोजीशन एक्स ले लो, और रेडियस तो चेंज होगा नहीं, और इसने जो एंगल बनाया और सेंटर के ऊपर वो थीटा है। तो यहां से यहां जाने में जो सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? एस इक्वल्स टू आर थीटा। यस मैम। आपने एक रिलेशनशिप, वैसे फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा हुआ है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, यस मैम, रेडियस, ऐसे पढ़ा हुआ है, ये वही चीज है, ठीक है। अब इसको निकाल, अच्छा ये आया कैसे, आप कैसे देखेंगे? अगर मान लीजिए 2π घूमता है तो 2π में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2π r। अगर 1 रेडियन घूमता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? r। अगर थीटा रेडियन घूम रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? r थीटा। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जब थीटा घूम रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने s नाम दिया है, तो r थीटा किसके बराबर हो गया? s के बराबर। s के बराबर। क्लियर है सबको? यस मैम। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, अब कुछ और कंपैरिजन करते हैं। जैसे लीनियर मोशन में आपने पढ़ा है वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू, अगर मैंने वेलोसिटी भी बताऊं तो दो वेलोसिटी पढ़ी थी हमने, एक एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हो आप? डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी। यस मैम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप क्या बोलते हो? डी एस बाय में डी टी। सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा एवरेज होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस होता है, डी थीटा बाय में डी टी, ठीक है। अच्छा अब इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, ओमेगा की यूनिट? रेडियन पर सेकंड। अच्छा अब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगी कि स्केलर होगी? वेलोसिटी है, यस वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन कैसे देखें? राइट हैंड थंब रूल से ही देखेंगे और सेम डायरेक्शन आएगी जैसे आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आती है। जैसे अगर मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा के अपोजिट, ठीक है। तो आपके फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और यही अगर दो पॉइंट में आपको दे दूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर आएगा आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर आपके पास इधर आएगा तो इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है सबको? अच्छा डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम ऐसे निकाल देते हैं VDT, मतलब अगर वेलोसिटी दे दो और डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं तो आप ऐसे निकालते हो T1 से T2। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर मुझे निकालना है थीटा तो इंटीग्रेशन ओमेगा DT T1 से T2, ठीक है। अब चलते हैं एक क्वेश्चन पे। इफ थीटा इक्वल्स टू 2t² + 2 देन फाइंड ओमेगा इन 2 सेकंड एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओमेगा इन 2 सेकंड मतलब क्या है? ओमेगा एवरेज पूछा है।
ओमेगा एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड मतलब क्या है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा है, ठीक है निकालो जरा ओमेगा एवरेज बताओ कितना आएगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस बताओ कितना आएगा, अच्छा ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या था ये बताओ, ओमेगा एवरेज क्या लिखा था हम लोगों ने, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज, क्या है ये डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज कैसे निकालोगे, देखो इन टू सेकेंड है, टाइम जीरो से शुरू होता है, हम यहां पर ले लेते हैं अभी देखो इन दो सेकेंड के अंदर आपको पूछा है, तो आप यहाँ क्या करो, पहला जो टाइम है उसको ले लो जीरो, दूसरा टाइम है आपके पास टू सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो कितना है टू, एंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू टू कितना है, टू टू जा फोर टू जा एट प्लस टू टेन, तो चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी टेन माइनस में टू बाय में टाइम कितना लगा टोटल टू सेकेंड, यानी टेन माइनस टू यानी एट बाय टू यानी कि फोर रेडियन पर सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड निकालना है तो कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ओमेगा इंस्टेंटेनियस हमें चाहिए एट टी इज इक्वल टू टू पे, सो डी थीटा बाय डी टी कर दो, कितना हो जाएगा ये फोर टी, ठीक है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन फोर टी, यहां पर फोर इंटू में टी की वैल्यू टू पुट करेंगे आपके पास आएगा एट रेडियन पर सेकेंड, सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड क्या है एट रेडियन पर सेकेंड, और एवरेज कितनी है फोर रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है सबको ये सवाल, यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब एक रिलेशनशिप निकालना है आपको बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, किसी को पता है रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यस वेरी गुड हर्षित, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप इसको बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, वही हम एक सर्कुलर मोशन लेंगे, मान लो ये आपके पास पॉइंट है P, एक्स पोजिशन भी और ये वाई पे जा रहा है P सेम पॉइंट, और ये आपके पास रेडियस हो गया, ये इसने एंगल जो है थीटा लिया और लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिया एस, ओके अब आपको पता है क्या कि वी होता है आपके पास डी एस बाय में डी टी, और S होता है आपके पास R थीटा, अभी हम पीछे करके आए हैं, सो V इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ R थीटा, R को मैं बाहर ले लेती हूँ क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, रेडियस है इसका, रेडियस R है, यानी बच्चा आपके पास D थीटा बाय में डी टी, डी थीटा बाय डी टी क्या होता है ओमेगा, ओमेगा R ओमेगा, तो रिलेशनशिप हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज ट्रू 100% फॉर सर्कल ओनली, ठीक है सर्कल में आपको पता है, देखिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी बुक्स में नहीं लिखा होता कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, अब इसका क्या मतलब है, मान लो कि एक बच्चा यहाँ है और सामने है रोड, रोड पे चल रही है कार, तो ये देख रहा है इसको, इसकी वेलोसिटी सपोज कुछ भी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है अब जब ये पोजीशन ए पे इसको देखेगा, ये चल रही है कॉन्टिन्यूस, ठीक है और इसकी आंखों की मूवमेंट आप समझ सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो आपकी आंखों से भी आप अगर देखोगे तो आपकी आंखों को आप मान लो ओरिजिन, उसके ऊपर एक एंगल ट्रेस हो रहा है, अगर मान लो यहां पर पहुंच गई है ये 10 मीटर पर सेकेंड ही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है इसके पास, आप यहां देखोगे इसको तो आपके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक एंगल बना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है, yes, ma'am. हुआ है, सो एंगुलर वेलोसिटी अब मैं पूछूं आपको ए के ऊपर कितनी होगी, बी के ऊपर कितनी होगी, अलग अलग होगी, ठीक है तो
तो आपको अलग तरीके से निकालना है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला, जो करेक्ट फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई होगा, वो है वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ओमेगा आप निकाल सकते हो वी परपेंडिकुलर बाय में आर। ठीक है, अब जैसे मुझे ए पॉइंट पर निकालना था और ये डिस्टेंस अगर मैं आपको टू दे दूं, तो आपको क्या करना है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको निकालना है, जैसे ये ओरिजिन हो गया और ये इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, वो जो डिस्टेंस होगा उसको आप आर बोलेंगे। ये अब रेडियस नहीं है, ये आप आर स्मॉल आर लिख लीजिए। और इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन ज्वाइन जो आपने करी है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपको लेनी है। तो यहाँ पर 10 बाय में 2 हो जाएगा। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में हमेशा जो ये लाइन ज्वाइन आप कर रहे हो और जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर। आपको पता है वेलोसिटी आप टेंजेंशियली निकालते हो ना, तो हर बार 90 पे होती है। तो वहां पर हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा v इज इक्वल टू आर ओमेगा बोलते हैं। बट अगर आप किसी और मोशन में देख रहे हैं जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आता है और आप एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, तो आपको लेना है जो भी आप r लेंगे उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट। क्लियर है सबको? तो आप लिख सकते हैं नोट डाल के, एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल ओनली। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आर ये ट्रू फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म होता है वी ओमेगा और आर को जोड़ने वाला। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। बेटा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओ व्हेन इट इज एट ए एंड व्हेन इट इज एट बी। अब यहां पर निकालना है आपको, बताओ कितना आंसर आएगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, वी परपेंडिकुलर बाय में आर। आपको ए पे निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ओ, बताइए। फर्स्ट पोजीशन पे तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, एंड जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया बेटा, प्लीज अगली क्लास में आप टाइम से ज्वाइन करें। मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगी, आप पहले भी पढ़ के आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, वी परपेंडिकुलर देखिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ये आपने लाइन ज्वाइन करी, ये तो 4 है और ये लाइन ज्वाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है 10। ये आएगा आपके पास 5 बाय में 2। ठीक है, 2.5। ठीक है, अब आपको निकालनी है बी पे। बी पे आप ऑब्जर्व करें, ओमेगा एट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो वी परपेंडिकुलर बाय में आर हमको लेना है। सो वी परपेंडिकुलर, अब बताओ आपने लाइन ज्वाइन कर ली है, ये तो आर हो गया, ये आर कितना होगा पहले तो ये हमको निकालना पड़ेगा। अब क्या ये जो वेलोसिटी है ये इस आर के परपेंडिकुलर है, ये एंगल तो 90 नहीं है। अब आपको निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। अब कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर, आपको दिख रहा है 37 डिग्री का ट्राइंगल है ये, तो ये 90 है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा। ये आपके पास वेलोसिटी है जो कि 10 है, तो इधर आपके पास कंपोनेंट आएगा 10 cos 53 और एक आपके पास इधर आ जाएगा 10 sin 53। अब बताओ कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर है, 10 cos 53 या 10 sin 53? मुश्किल सवाल है, गौरव बताओ बेटा। 10 sin 53, 10 sin 53, so 10 sin 53 डिग्री डिवाइडेड बाय में आर कितना है, अब ये बता दो। आपको ट्राइंगल सिखाया था मैंने क्या, कि अगर 37 डिग्री का है ये, अगर 37 है तो सामने होती है 3, इधर होती है 4 और इधर होती है 5, तो ये आपको 4 दे रखी है, इसके सामने होगी 3 और ये कितनी हो जाएगी, 5। 5 1 5 2 2, साइन 53 कितना होगा, 53 डिग्री ट्राइंगल, 53 डिग्री में 4 इधर होता है, 3 इधर होता है, 5 इधर होता है, तो साइन 53 इज पी बाय एच, यानी 4 बाय 5, यानी 8 बाय 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? चलो एक सवाल और करके दिखाओ। अब आपको निकालना है बी पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, फॉर्मूला वही है, आपको चाहिए होगा
वी परपेंडिकुलर बाय में आर। अब आर तो डेफिनेटली ठीक है, 3 मीटर ही है, पर जो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। बताओ आंसर कितना आएगा। बेटा 30-30 सेकेंड में होने चाहिए आपके क्वेश्चंस। देखिए पहले कंपोनेंट कर लीजिए, मतलब यहाँ पर आपको पेपर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा बता सकते हो। इधर होगा 20 sin 30 sorry cos 37, इधर होगा आपके पास 20 sin 37। अब बताओ कौन सा परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कौन सी है? 20 sin 37 डिवाइडेड बाय आर कितना है, वो तो दे ही रखा है आपको 3। आप साइन 37 की वैल्यू पुट करो, 23 और सब आपको कट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे आओ। अब आपको निकालना है ओमेगा एट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, वी परपेंडिकुलर बाय में आर। ठीक है, अब सबसे पहले तो आर आपको दे रखा है यहाँ पे, उसकी तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, 4 लिख दिया। अब ये जो लाइन आप ज्वाइन करेंगे इसके परपेंडिकुलर नहीं है 5, परपेंडिकुलर होगा कुछ ऐसे, तो अब वो एंगल आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप 5 का कंपोनेंट ले सको। तो आप क्या कर सकते हो, इसको जरा एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और ये एक पैरेलल लाइन मान लो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। दो लाइंस अगर ऐसे हैं, ये कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 53 डिग्री। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, 90, तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। 90 minus 53 is 37। अब आप इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में आएगा 5 cos 37 और एक आपके पास इधर आएगा 5 sin 37। तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास, 5 sin 37 degree बाय में 4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। देखिए ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखिए वैसे स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो जनरल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास हिट कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ जाता है, जिस वेलोसिटी से शुरू करेगा उस वेलोसिटी से वो एंटर करता है, अगर हम एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देते हैं तो, ठीक है, तो ये यहाँ पर 30 डिग्री पे एंटर कर रहा है, ये वेलोसिटी फाइनल जितनी से शुरू करता है उतनी ही ये गेन भी कर लेता है, इधर आएगा 10। तो इधर आप कंपोनेंट ले लेंगे, एक आएगा 10 cos 30 degree, एक नीचे की तरफ आएगा 10 sin 30 degree। आपको निकालना है ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू जस्ट बिफोर हिटिंग, जस्ट बिफोर हिटिंग पॉइंट ये है, ठीक है, तो ये आर हो जाएगा आपके लिए, और ये क्या होता है आपके पास रेंज, ठीक है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी होगी, 10 sin 30, ये आएगा 10 sin 30 डिवाइडेड बाय में रेंज। अब रेंज का फॉर्मूला किसी को याद है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दिव्यांशु सब भूल गए, स्कूल में जो पढ़ के आए हो, पेपर भी दे आए हो। mu square sin 2 theta upon g and sin theta, anushka very good beta, u square sin 2 theta by me g, to range hota hai aapke paas u square sin 2 theta by me g, so u square yani ki 100 ho jayega, sin 2 theta yani sin 60 ho jayega, डिवाइडेड बाय में जी कितना है 10। आप इसको सॉल्व करेंगे और रेंज में वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास फाइनली ओमेगा ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट को पी मान लो, पी विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। क्लियर है सबको,
यस मैम। अब इसमें एक चीज और पेंडिंग है, मान लो आपके पास ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, बी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब निकालना है आपको ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैंने आपको क्या बताया, वी परपेंडिकुलर बाय में आर, इसको 4 मीटर मान लो, ठीक है, बी का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, सो आर तो 4 मीटर होगा। फिर आप बोलोगे कि मैम इसके कॉम्पोनेंट कर लो 10 cos 30 और ये क्या हो जाएगा 10 sin 30, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन सी है, वेलोसिटी 10 sin 30, वो पुट करो, आर को 4 पुट करो, आंसर आ जाएगा। बट आप यहां पर ये भूल रहे हैं कि ए पॉइंट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो खुद भी मोशन में है, तो हमको यहाँ क्या करना होता है, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय में आर। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ही लेना, और हमको परपेंडिकुलर जो लाइन ज्वाइनिंग है उनके जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आ रहे हैं वेलोसिटीज की, उनका रिलेटिव वैल्यू, यानी कि 10 साइन 30 माइनस में 10, यही होगा ना, वी बी माइनस वी ए। हमें चाहिए सिर्फ परपेंडिकुलर वाला रिलेटिव कॉम्पोनेंट, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ये 10 साइन 30 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय में आर, क्या हो जाएगा 4। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट्स पे मोशन है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज ऑलवेज ट्रू, ट्रू हमेशा ट्रू कौन से ऑप्शन होंगे, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, बताइए ए बी सी डी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कॉमेंट करो नेहा बेटा, थ्री ओके, थर्ड ऑप्शन ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, ओके थर्ड, हर्षित का एक आंसर आया कि डी भी करेक्ट है, सी डी, वेरी गुड एवरीवन, सी और डी करेक्ट ऑप्शंस है, ये नहीं हमेशा ट्रू होता, ठीक है। सर्कल के लिए हम लिख देते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट हमेशा जो ट्रू है वो होता है वी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो यानी ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाय आर हमेशा ट्रू है। वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ओमेगा क्रॉस आर होती है, ये हम लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर क्यों नहीं लगा सकते, अभी ध्यान से सर्कुलर मोशन को देखेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मान लो ये सेंटर है, ये पॉइंट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली होती है, और मोशन अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज है, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, ओमेगा तो आउटवर्ड है एंड वी आपके पास टेंजेंशियली है, तो आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते ऐसे, आर आर तो कांस्टेंट है, रेडियस का तो कुछ नहीं है, यानी आप ऐसे तभी लिख पाते जब वी और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होता, बट वी और ओमेगा का डायरेक्शन सेम नहीं है, इससे सेम आता है, ये देखिए ध्यान से, ओमेगा का डायरेक्शन आपका आउटवर्ड आ रहा है और आर का डायरेक्शन आपके पास ऐसे है, मैंने इसको बाहर आउटवर्ड दिखा दिया, और ओमेगा आपके पास किधर है, ओमेगा इस केस में बाहर की तरफ है, सो ओमेगा क्रॉस आर अगर आप करेंगे, ओमेगा से आर की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो थंब जिधर पॉइंट कर रहा है दैट इज वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेक्टर जो आप पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ओमेगा क्रॉस आर में क्या होता है, ओमेगा और आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटवर्ड क्या है, ओमेगा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, ओमेगा से आर की तरफ आपने घुमा दिया, सो थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये जो वेक्टर फॉर्म है ये सेटिस्फाई कर रहा है सारी चीजों को, इसलिए ये करेक्ट है, क्लियर है सबको, यस मैम, वेरी गुड। चलिए अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब मान लीजिए एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, मान लो कि एक सेकंड में आपके पास एक चक्कर होता है या एक रिवोल्यूशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। अगर आपके पास एक सेकंड में दो चक्कर होते हैं तो फ्रीक्वेंसी होगी 2। अगर एक सेकंड में एफ चक्कर हो रहे हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। एक ओमेगा और एफ के अंदर रिलेशनशिप हो रहा है, पता है किसी को,
ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, टू पाई एफ। या थोड़ा सा रिलेट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ओमेगा आपको पता है क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा बाय में डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड के अंदर एफ चक्कर हो रहे हैं, एक चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, टू पाई, यानी एफ चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टू पाई एफ। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है, एक सेकंड में हुआ है, यानी ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, टू पाई एफ। क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट पे आ जाओ, टाइम पीरियड। इन सर्कुलर मोशन टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक पूरा रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको आप क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, वन बाय एफ। अभी ये कैसे होता है, देखो एक सेकंड में आपके पास एफ अगर रिवोल्यूशन हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ हो गई। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, वन बाय में एफ, इसी को आप क्या बोलो, टाइम पीरियड। ठीक है, और यानी टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, एफ की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे, ओमेगा बाय टू पाई, ओमेगा बाय टू पाई, यानी टाइम पीरियड हो गया टू पाई बाय ओमेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं, टी इज इक्वल टू होता है टू पाई बाय में ओमेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। टाइम की तो आपको पता ही है, यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब लेट्स रीकैप, एक मिनट का सवाल है। अभी मैंने आपको सारी चीजें कराई हैं। पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड्स इन अ सर्कल एज शोन। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा। निकालो जरा, हाँ जी, टू बाय टू आर कितना हो गया फिर, ओमेगा ही हो गया ना। देखो पार्टिकल ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट एंड इक्वल स्पीड्स इन सर्कल एज शोन, इक्वल स्पीड्स हैं। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको निकालना है। ठीक है, सो हमें चाहिए, अभी देखिए यहां पर भी मोशन है और यहां पर भी मोशन है, तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव चाहिए होगा, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितना इनके बीच में, 2r। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o इज ओमेगा, a की विद रिस्पेक्ट टू o ओमेगा दे रखी है, और वो किसके बराबर होगी, v परपेंडिकुलर बाय में r। v परपेंडिकुलर कितना है, v ही है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो v परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, डिवाइडेड बाय में r। ठीक है, अब यहां पर चाहिए v परपेंडिकुलर रिलेटिव। ठीक है, सो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, v रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब चाहिए आपको वी ए बी, ये होएगा वी ए माइनस में वी बी। अब हम परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स का ही सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। अब ये ऑलरेडी दोनों परपेंडिकुलर ही है, जो लाइन ज्वाइन करेंगे आप ये तो 2R हो गई। अब ये दोनों ही ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से V आपके पास है V माइनस में VB कितना है माइनस V, तो ये आ जाएगा 2V। यहाँ पर पुट करेंगे 2V बाय में 2R, दैट इज इक्वल टू V बाय R, एंड V बाय R किसके इक्वल है, दे रखा था सवाल में ओमेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो सिमिलरली ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एट इंस्टेंट शोन इन फिगर। ए की विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालनी है, ए की विद रिस्पेक्ट टू ओ, वी परपेंडिकुलर बाय में आर। बताओ आर कितना होगा लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ये कितना निकाल सकते हो आप? ये आप 90 डिग्री देख रहे हो, ये डी है, ये डी है, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 2D स्क्वायर, यानी हाइपोटन्यूज किसके इक्वल होगी, रूट टू डी। सो ये रूट टू डी। अब वी परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपको दिख रहा है कि इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये 90 है तो ये 45 डिग्री होगा, आप इसको एक्सटेंड कर दो, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, तो इधर आएगा वी कॉस 45 और इधर आएगा आपके पास वी साइन 45 डिग्री, यहाँ आएगा वी साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/√2, √2 × √2 × d यानी वी बाय में 2D। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो इस पे आ जाओ। JEE 2019 टाइम 2 मिनट्स। टू पार्टिकल्स ए बी आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। एट टी इज इक्वल टू जीरो द पोजीशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर शोन इन द फिगर। टी इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन भी दिखा रखी है आपको, डायरेक्शन भी दिखा रखी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये, जिनका सेंटर सेम होता है, एक R1 पे है और एक R2 पे है। आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर VA माइनस VB एट T इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा इज गिवन बाय। सॉल्व कीजिए बेटा। पहले आप चेक कीजिए एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा पे दोनों पार्टिकल्स कहां होंगे। Come on, try. D, एक आंसर आया मेरे पास D, नहीं D करेक्ट नहीं है, सो एक एलिमिनेट हो गया, D नहीं है। फोर्थ आ रहा है आप लोगों का। यस दिव्यांशु, फोर्थ आ रहा बेटा, मोहित का थर्ड आ रहा है। एम 4 इज करेक्ट। चलो देखते हैं। पहले तो अभी हमने एक रिलेशनशिप किया था, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी किया था ना, ये रिलेशनशिप डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी,
ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ये दोनों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चल रहे हैं, तो दोनों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया इन टी इज इक्वल टू पाई बाय टू ओमेगा, ये मुझे निकालना है पहले, तभी मुझे पता लगेगा ना कि उनकी पोजीशन क्या है इस समय के ऊपर, तभी रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल पाओगे। सो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू में टी की वैल्यू है पाई बाय में टू ओमेगा, यानी पाई बाय टू का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ए पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, टॉप पे इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया वी ए, और बी बी पार्टिकल पाई बाय टू डिस्प्लेसमेंट करेगा तो यहां पहुंच जाएगा इस डायरेक्शन में। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है वी ए माइनस में वी बी। अब वी आपके पास क्या होगी, वी क्या होता है आपके पास, वी इज इक्वल टू होता आर ओमेगा, यानी कि अगर वी ए मैं निकाल रही हूं तो दैट इज आर वन इंटू ओमेगा माइनस आई कैप, आई कैप माइनस, अगर मैं वी भी निकाल रही हूं दैट इज आर टू ओमेगा बट माइनस आई कैप, आई कैप, ये आपके पास क्या आएगा माइनस आर वन ओमेगा आई कैप प्लस आर टू ओमेगा आई कैप, यानी ओमेगा अगर कॉमन ले लू सो मेरे पास आ रहा है आर टू माइनस आर वन आई कैप। यस, फोर्थ ऑप्शन बताया था आप लोगों ने, यस मैम, वेरी गुड बेटा, फोर्थ करेक्ट है, जे ही क्रैक करके छोड़ोगे तुम लोग, ठीक है, यस मैम, ओके। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे विद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे पास यहाँ पर एडेड है, बहुत सारे, ठीक है। उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए क्या है, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब जो सर्कुलर मोशन है ना उसमें एक सिर्फ एक एक्सेलरेशन नहीं होता, चार एक्सेलरेशन होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। क्लियर है सबको? यस मैम। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No doubts. Attendance लगा रहे हो, लगाओ।